पेडागोजी ऑफ हिंदी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एक्सटर्नल मार्क्स 35 जिस इस वीडियो में बात करेंगे टोटल 50 हैं और इंटरनल 15 हैं। लर्निंग आउटकम जो जिसको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, थोड़ा सा ये इसका फॉन्ट साइज छोटा है, इसको बड़ा करना पड़ेगा, ऐसे करके हिलाऊंगा थोड़ा, पता नहीं आपको भी ब्लर दिखेगा। सेक्शन ए है, ये जो चेंज हुआ है सिलेबस का पैटर्न उसके मुताबिक है, ध्यान से देख लेना। सेक्शन ए है, हिंदी भाषा की प्रकृति है, तो भाषा कोई भी हो प्रकृति उसकी वही होती है कि सिंबॉलिक है, सोशल है, सामाजिक है, मतलब प्रतीकात्मक है, आर्बिट्रेरी है, आपहुदरापन होता है, कोई भी शब्द है उसका कोई भी मीनिंग किसी भी भाषा में रखा जा सकता है, तो एवोल्यूशन हुई है, ह्यूमन प्रोडक्ट है, ऐसी बातें करेंगे जब हिंदी भाषा की प्रकृति को समझेंगे। सोशल है सबसे बड़ी है ना, क्रिएटिव है, प्रोडक्टिविटी है, इसमें संरचना की जा सकती है, आप एक सेंटेंस नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हो थोड़े से शब्दों के साथ। तो ये भाषा जो है इसका जो एक प्रबंध है, ये मेन पर्पस विचार संचार करना है, तो ये भाषा की प्रकृति होगी। भाषा के विकास और समाज से संबंध, विकास जो है आपको जो भाषा परिवार हैं वर्ल्ड की वो डिस्कस होंगे, उसके बाद इंडो आर्यन भाषा एक परिवार है, उसकी जो आगे ब्रांचेज हैं वो डिस्कस करोगे, और फिर हिंदी का विकास होगा। समाज के साथ संबंध क्या है हिंदी भाषा का, तो समाज ने ही हिंदी भाषा को, देखिए पहले क्लासिकल संस्कृत थी है ना, क्लासिकल एस संस्कृत यहाँ लिखा है, तो जो उच्च वर्ग के लोग थे वो कहते हैं ये हमारी है हिंदी, हम नहीं किसी को बोलने देंगे, ये हमारे धर्म की है, धर्म रहेगी, आप भ्रष्ट हो जाएगी। तो वो कुछ लोगों में जो बाहर के लोग इतने ज़्यादा थे उनमें तो डिफरेंट लैंग्वेज थोड़ी प्रचलित होने हो गई, क्लासिकल संस्कृत से संस्कृत हो गई, संस्कृत को भी ऐसे दायरे में बंद कर लिया गया, तो बाकी जो भाषा थी आम लोग वो थोड़ी आसान होती गई, डिफरेंट होती गई। तो ऐसे जो भाषा का विकास हुआ है, समाज का संबंध हमेशा ही रहेगा, क्योंकि समाज ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए है ना भाषा का प्रयोग करना है। अच्छा, भाषा में ही एजुकेशन होनी है, भाषा से ही रिश्ते निभने हैं, भाषा से ही जो एजेंसीज हैं, बेशक वो मीडिया है, पुलिस स्टेशन है, स्कूल है, भाषा के बिना नहीं चलेंगे। समाज जो है कल्चरल एस्पेक्ट से भी भाषा को सुरक्षित रखता है ना, उसका अपनी मातृभाषा का सम्मान लोग करते हैं जो अपनी मिट्टी से जुड़े होते हैं, तो ऐसे समाज के साथ संबंध इसको समझेंगे। भाषा का माध्यम, भाषा के रूप में प्रयोग, अब अच्छा भाषा यहाँ पर आलोचनात्मक दृष्टि, भाषा और माध्यम भाषा की भूमिका, ये इम्पॉर्टेंट है। एक तो भाषा हमारी नॉर्मल है जिसमें हम कोई भी बात कर सकते हो, जब माध्यम के रूप में भाषा है, फॉर एग्जांपल एक तो हिंदी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, यहाँ पर हिंदी लिखना मेरे लिए हिंदी पता नहीं ठीक है या गलत है ना, हिंदी है। दूसरा आप गणित पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, सामाजिक हिंदी में लिखा गया, सामाजिक अगर गलती होगी तो बता देना, सामाजिक आप पढ़ रहे हो है ना, तो जब इस सामाजिक को किस भाषा में, हिंदी, आप इंग्लिश भी रख सकते थे, पंजाबी भी रख सकते थे, हिंदी भी रख सकते थे, तो वह यहाँ पर अगर बाकी सब्जेक्ट जो हैं उनका माध्यम हिंदी होता है तो भाषा को कैसे देखा जाता है, तो इसकी भूमिका और विकास है ना। करिकुलम अक्रॉस लैंग्वेज, अक्रॉस द करिकुलम एक सिलेबस आपका पेपर भी होगा, तो यही है कि लैंग्वेज को सिर्फ लैंग्वेज के दायरे में रख के विकसित ना किया जाए, लैंग्वेज को बाकी सब्जेक्ट्स का माध्यम बनाया जाए, तभी उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है, क्योंकि वो शब्दावली नेचुरली, आप अब गणित पढ़ना है तो आपको हिंदी भाषा के शब्द सीखने होंगे, तो ये एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, प्रॉब्लम भी है। कारण ये है कि बुक्स जो हैं आपको हिंदी में कम मिलेंगी, इंग्लिश में ज़्यादा मिलेंगी, तो हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो एजेंसीज हैं, एजुकेशनल एजेंसीज हैं, उनको काम करना पड़ेगा, तो ऐसे प्रो एंड कॉन्स की बात होती है। आलोचनात्मक दृष्टि से देखना है भाषा को है ना, तो हमने ये देखना है कि भाषा के जो पर्पज़ हैं वो पूरे किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं।
वो हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है, उसका यूज़ कितना है, मिसयूज़ कितना है, हेल्पफुल कितनी है, रुकावट कितनी है भाषा, है ना। तो ये ऐसी बातें हो सकती हैं इसमें। ये क्या है, भाषाओं की स्थिति संविधान की धारा 351 में, 349 में, कोठारी कमीशन में, ये ब्रीफ ब्रीफ में है, उसको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि डिफ़िकल्ट रखता है, इसको करवा भी सकते हैं, सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है इस पर। दूसरा, कोठारी कमीशन ने 66 एंड 64, है ना, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वहाँ चला गया, इधर चल गया, ये पुरानी शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति अभी डाली नहीं गई, कि हिंदी के क्या बात है, 86 की पॉलिसी है, उसके बाद रिवाइज की गई 92 में, हिंदी की बात क्या की गई, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, अब 2023 भी आ चुका है, अब देखते हैं कि उसमें हिंदी का क्या है। तो मोस्टली इसको फ्लेक्सिबल रखा गया है, इसमें आप थ्री लैंग्वेज फार्मूला डिस्कस करोगे कि यहाँ से शुरू हुआ था। थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है कि एक भाषा जो है लोकल भाषा, उसको प्रेफर किया जाए, जिसको मदर टंग भी बोलते हैं, होम लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। दूसरी राष्ट्र की भाषा जो हिंदी हो गई, तीसरी इंटरनेशनल हो सकती है, इसके अलावा संस्कृत हो सकती है। तो तीन ऑप्ट करनी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या कर दिया है कि फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि स्टेट अपनी पॉलिसी खुद बनाएगी कि उन्होंने कौन सी भाषा रखनी है, कौन सी छोड़नी है, खास करके स्कूल लेवल पर। सेक्शन बी है हिंदी भाषा की स्थिति और भूमिका स्वतंत्रता से पहले और बाद, हिंदी भाषा का विद्यार्थी शिक्षार्थी के सामने आने वाली चुनौतियाँ। तो ये चुनौतियाँ क्या है टीचर और स्टूडेंट की, जो अब मान लीजिए अब मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है, आपकी क्लास में हिंदी भाषा नहीं, पंजाबी वाले भी हैं, हिंदी दूसरी भाषा वाले भी हैं, तो मिक्सचर है, वहाँ पर चुनौतियाँ आती हैं। नेचुरली है कि टीचर को वोकेबलरी चेंज करनी पड़ेगी, कुछ वोकेबलरी नई उनकी सांझी करनी पड़ेगी, इवेलुएशन में प्रॉब्लम आती है, टीचिंग लर्निंग में, लेसन प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करने में। मान लीजिए PPT बना रहे हैं तो बच्चे बहुत भाषा के बैठे हुए हैं, तो किस भाषा का प्रयोग किया जाए। मेरी क्लास में भी जब बच्चे बात करते हैं तो सर मुझे पंजाबी समझ नहीं आती, ऐसा बोलते हैं, तो नेचुरली तब चेंज करना पड़ता है। हो सकता है कि पंजाबी वाले काफ़ी देर डिस्टर्ब हो जाते हैं, यहाँ मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो पंजाबी वाले डिस्टर्ब, यार आप अपनी माँ बोली नहीं बोलते, तो ये चलता रहेगा। लेना क्या है, अंदर से विचार लेने हैं, अच्छी सोच लेनी है, ज़िंदगी को बेहतर करना है, ऊपर की तरफ बढ़ना है। वो बढ़ रहे हो तो कोई भी भाषा है, वो कर रहे हो तो कोई भी आपकी कास्ट है, वो कर रहे हो तो कोई भी आपका रिलीजन है। अगर बड़े से बड़ा रिलीजन कास्ट ये रख के आपकी एनर्जी डाउनवर्ड जा रही है तो कोई है ना फायदा नहीं है। तो भाषा को माध्यम ही समझना है, क्योंकि ये ह्यूमर प्रोडक्शन है, इसको एम नहीं बना लेना, इसकी रिस्पेक्ट माध्यम के रूप पर करनी है। हिंदी भाषा की स्थिति और भूमिका स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पहले की बात है तो इंग्लिश पीपल की बात आप करोगे कि इंग्लिश डोमिनेट थी, इंग्लिश स्कूल्स में आ गई, कंपलसरी हो गई कि क्लर्क पैदा करने थे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना था। अच्छा, उनको बहुत ऊपर भी नहीं रखा गया, आम लोगों के लिए कोई इंग्लिश नहीं थी, तो इंग्लिश को धक्का लगना स्वतंत्रता से पहले लगना शुरू हो गया था, लिटरेचर में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, एजुकेशन में, है ना। तो स्वतंत्रता के बाद जो है नेचुरली के ये कमीशन्स आए, उन्होंने इस पर इसको प्रेफरेंस दी, जो सिलेबस में करिकुलम में प्रेफरेंस दी गई। लेकिन आज भी ये ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल करके अपनी दुकानों पर काम चलाया जाता है, हिंदी मीडियम से कोई, पंजाबी मीडियम से अपनी मदर टंग से कोई दुकान नहीं चल रही, क्योंकि बाहर जाना है, बाहर जाने के लिए इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश के लिए लेबल स्कूल में चाहिए। टीचर को बेइज्जत किया जाता है कई बार अगर वो हिंदी या अपनी मदर टंग बोलते हैं, है ना, तो ये मातृभाषा की ही डिसरिस्पेक्ट है। तो ये असल में ये पॉइंट्स बनते हैं सारे, है ना। भाषा शिक्षण की प्रचलित विधियाँ, एक प्रत्यक्ष प्रणाली है, डायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं, है ना,
वो तो सीधा हो गया, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, डायरेक्ट मेथड है। ढांचागत, स्ट्रक्चरल प्रणाली, प्राकृतिक प्रणाली, नेचुरल, संप्रेषणात्मक, कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन बेस्ड, है ना, जो कम्युनिकेशन पर, ये इंग्लिश में है, एक सिचुएशनल है, स्ट्रक्चरल है और कम्युनिकेटिव है। तो कम्युनिकेटिव प्रणाली क्या है कि बच्चे को आप कोई वर्क देते हो, लैंग्वेज का कोई आर्टिकल दे दिया कि ये दो दो जानों का जोड़ा बना दिया, बैठ के डिस्कस करो, तो वो आर्टिकल भी भाषा पर, भाषा का है, भाषा में ही उसी में डिस्कस करेंगे। तो न्यू वोकैबुलरी आइडियाज़, तो उनकी सोशल एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होती है और भाषा फोकस रहती है, यहाँ वहाँ कम्युनिकेटिव है। तो या ये जो पहली डायरेक्ट है, ढांचागत प्रणालियाँ हैं, ये रूल्स पर, ग्रामर्स पर, एरर्स पर, एरर को रिड्यूस करने पर, इस पर जोर देती हैं, है ना। तो प्राकृतिक जो है, नेचुरल प्रोसेस से टीच करनी है, हिंदी चाहिए, उस पर जोर देगी। भाषा शिक्षण में सामान्य सिद्धांत, तो भाषा शिक्षा के सिद्धांत क्या है, विचार संचार करना है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच लेके चलना है, इवेल्युएशन करनी है, फीडबैक देनी है, है ना, नकल का सिद्धांत है, रीइन्फोर्समेंट, प्रतिबलन का सिद्धांत है कि शाबाश दोगे, अच्छा वर्ड सीखा है, है ना, सहयोग का, कंपटीशन का, संपूर्णता का, कि सभी स्किल्स को इकट्ठे लेके चलना है, ऐसे सिद्धांत की बात करनी है। सिंपल वही भाषा कैसे सीखी जाती है, वही बातें दोहराई जानी है। शिक्षण में भाग, शिक्षण को प्रभावी बनाने में इनकी भूमिका, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो हेल्प करेंगे, इसको बिल्कुल करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, है ना, चाइल्ड सेंटर्डनेस में आप बच्चे की नीड के मुताबिक, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक उसको पैराग्राफ दोगे, सेंटेंस दोगे, ऐसे करेंगे। ये ना मच्छर जा सा कोई आ गया, ये कर रहा है, ये गड़बड़, इसको क्या कहूँ मैं, शायद चले जा अके। तो ये हेल्प करते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल बने ही बेसिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए, हमारे साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल प्रोसेस में से निकले हैं, टीचर की एक्सपीरियंस में से निकले हैं, साइकोलॉजी की थ्योरी में से निकले हैं, तो उनको अप्लाई करना यहाँ पर, इट मीन्स पॉजिटिव भूमिका निभाएंगे, ये जो क्वेश्चन होगा ये वाला। हिंदी भाषा के विविध रूप, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा में क्या होगा, हिंदी भाषा को आपने देखना हो अंतर्राष्ट्रीय में, सबसे पहले पॉपुलेशन देखोगे कितनी है, हिंदी भाषा बोलने वाले सेकंड रैंक पर आ रहे हैं, मतलब जो जनसंख्या है वो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर हिंदी बोलने वाले आते हैं। ऐसे टूरिज्म है तो हिंदी का प्रयोग वहाँ होता है। हिंदी कल्चर की बात कर सकते हो, जो इंटरनेशनली इधर उधर हमारे हिंदुस्तानी जा चुके हैं वो अपना कल्चर लैंग्वेज साथ में लेके जाते हैं, तो फैलता है, वहाँ स्टेटस ऊपर होता है। बिजनेस की बात करते हो तो यहाँ पर हिंदी बिजनेस, हिंदी करने वाले हैं तो हिंदी को प्रेफर कर रहे हैं, तो ऐसी बातों से आप अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसको डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, असाइनमेंट्स, एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, डिस्कशन ऑन द प्रॉब्लम ऑफ हिंदी लैंग्वेज एट स्कूल लेवल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेलिंग एरर, आपने स्पेलिंग भाषा की गलतियाँ देखनी है एट एलिमेंट्री लेवल एंड रिमीडियल मेजर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण की गलतियाँ हैं एलिमेंट्री 8वीं क्लास तक, और रिमीडियल मेजर उसका देखना है। नेक्स्ट है आपके लिए, ये हिंदी ये बुक्स हैं, इसमें से कोई पढ़ सकते हो अगर अच्छी लगती है, वैसे टीचर आपके बता दे रही होंगे, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है वो मुझे बताओ, तो वो मैं बना के वीडियो डाल दूंगा। इवेल्युएशन एक्सटर्नल 35 मार्क्स है, इंटरनल 15 मार्क्स है, अटेंडेंस 3 मार्क्स है, रिटर्न असाइनमेंट 6 मार्क्स है, रिस्पॉन्स शीट और 2 मिड टर्म एग्ज़ाम 6 मार्क्स के होंगे। इंस्ट्रक्शन है ए बी सी, 3 सेक्शन होंगे, 3 सेक्शन में से आप पहले दो से जो सेक्शन होंगे वो 12-12 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, और तीसरा मार्क जो सेक्शन है, यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, ये 5 मार्क्स है और 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ये देखिए सेक्शन बन गया, सेक्शन ए है ना, ए बी, ये 2 यूनिट है, इसमें से 2 क्वेश्चन आए, आपने 1 किया और वो 12 मार्क्स का है। ऐसे ही बी, 1 क्वेश्चन किया, 2 में से 1 किए, ये 2 आए, 1 किया, आपने 12 मार्क्स का है, हो गया। और सी है,
इन दोनों यूनिट में से क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन आएंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, ये हो गया 10 मार्क्स, और एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का 1 मार्क्स का होगा, ये 11 हो गए, ये मिला के 11 हो गए, एक कह दो चलो यहाँ पर एक, और ये 11 हो गए, ये 12 दूना 24 और 11 ये हो गए 35, ऐसे बनेंगे आपके ये डिवीज़न बनेगी, है ना। सो सी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, पेपर मुझे नहीं मिला, मैंने काफ़ी कोशिश की थी, तो पेपर मिलता है उसका अलग से वीडियो डाल दूंगा, लेकिन पैटर्न बदला है उसके मुताबिक, थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। थैंक यू।